शिव शक्ति के पावन स्थल चंडिका मंदिर गुफा वाली माता उड़ियारी देवी के समीप खनफर गांव के ग्रामीणों द्वारा प्राचीन सूर्यवंशी छुरमल मंदिर को आपसी सहयोग से चंदा एकत्र कर जीर्णोद्धार किया है। ग्रामीणों द्वारा बिना शासन प्रशासन की मदद से बनाए गए मंदिर की हर जगह चर्चा हो रही है। जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर खनफर गांव में स्थित चंडिका देवी गुफा वाली माता के मंदिर के समीप सूर्यवंशी छुरमल मंदिर का लंबे समय से पुनर्निर्माण कार्य चल रहा था। बताया गया है कि ग्रामीणों ने आज से 1.5 वर्ष पहले गांव में बैठक कर मंदिर निर्माण की परियोजना बनाई। सरकार को आईना दिखाते हुए ग्रामीणों ने 40,23,543 रुपए आपसी सहयोग से चंदा एकत्र किया। गांव के पूर्व प्रधान हरीश तिवारी ने बताया, सूर्यवंशी छुरमल देवता का मंदिर अति प्राचीन समय का बना हुआ है, जिस पर भक्तजनों की अटूट आस्था है। वर्ष भर लोग यहां पूजा, हवन व धार्मिक अनुष्ठानों को कराते रहते हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूजन कल शारदीय नवरात्रि नवमी के दिन कलश यात्रा हवन यज्ञ के साथ संपन्न हुई। उद्घाटन मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक बिशन सिंह चूफाल, विशिष्ट अतिथि सांसद अजय टमटा, भाजपा के मंडल अध्यक्ष मनोज कन्याल, विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा, वीरेंद्र बोरा, कनालीछीना ब्लॉक प्रमुख सुनीता कन्याल, मनोज भट्ट आदि मौजूद रहे। मंदिर के निर्माण कार्य से लेकर पूरा करने तक सभी कार्य पूर्व ग्राम प्रधान हरीश तिवारी द्वारा किए गए। मंदिर का निर्माण 15 माह में पूरा हुआ। निर्माण कार्य बिहार के मशहूर मंदिर निर्माण करने वाले मुरारी लाल की टीम द्वारा किया गया। कुत्तों द्वारा पैदल रास्तों में किए जाने वाले मल त्याग की समस्या से परेशान खड़कोट के लोगों ने अब एक नया टोटका निकाला है। लोगों ने पैदल रास्तों के किनारे अपने घरों में पानी की भरी बोतलें टांगनी शुरू कर दी हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि इससे कुत्ते उनके घरों के आगे मल त्याग नहीं कर रहे हैं। कुत्तों द्वारा जगह जगह मल त्याग कर देने से लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। गंदगी घरों के अंदर तक पहुंच रही है। कई बार मांग करने के बाद भी पालिका इस समस्या से निजात नहीं दिला पा रही है। चलो इस दशहरे को और जगमगाते हैं। कुमाऊं डिजिटल से एक नई खुशी घर ले आते हैं। इस दशहरा कुमाऊं डिजिटल में आपको मिलेंगे अपने सारे मनचाहे ब्रांडेड गैजेट एंड होम अप्लायंसेस ऑनलाइन से भी सस्ते प्राइस, जैसे फ्रिज, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, म्यूजिक सिस्टम, वॉशिंग मशीन, चिमनी, माइक्रोवेव और बहुत कुछ। ये ही नहीं, साथ में पाइए स्पेशल डिस्काउंट्स, कैशबैक्स और 0% EMI की सुविधा। कुमाऊं डिजिटल की तरफ से आप सभी को हैप्पी दशहरा। सौरघाटी में आयोजित रामलीला के 9वें दिन का मंचन रावण दरबार से हुआ। अंगद राम दूत बनकर रावण को समझाने पहुंचते हैं। वह कहते हैं कि माता सीता को श्री राम को लौटा दें, लेकिन अहंकार के मद में चूर रावण अंगद के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। अंगद के वापस लौटने, लक्ष्मण मेघनाद युद्ध, लक्ष्मण को शक्ति, हनुमान का संजीवनी लाने और लक्ष्मण की मूर्छा लौटने तक का मंचन किया गया। यहां अतिथि वीरेंद्र साह ठुलघरिया, वीरेंद्र वल्दिया, हयात भंडारी समेत कई दर्शक मौजूद रहे। भांग की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। सोमवार को कनालीछीना के थाना प्रभारी दिनेश चंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम में ख्वातड़ी गांव में 8 नाली भूमि में लगी भांग की खेती को नष्ट किया गया। पुलिस टीम ने ग्रामीणों को भविष्य में भांग की खेती न करने की हिदायत देते हुए नशा उन्मूलन अभियान में सहयोग की अपील की। भारत नेपाल सीमा पर स्थित झूला घाट कस्बे में मंचित रामलीला में पहले दिन रावण का कैलाश पर्वत को उठाने, उसके बाद शिव द्वारा उसके घमंड को तोड़ने से लेकर राम जन्म तक का मंचन किया गया। 14 दिनों तक चलने वाली रामलीला में इस बार महिला पुरुष बच्चे सभी लोग किरदार निभा रहे हैं। रामलीला का उद्घाटन ग्राम प्रधान किरण भट्ट ने किया। तबला वादन में भरत मोहन भट्ट, हारमोनियम में हेमंत पंगरिया और जीवन चंद्र भट्ट संगत दे रहे हैं। वक्ता सदानंद भट्ट हैं। Thank you.
अब आपके शहर पिथौरागढ़ में पहली बार स्टार होटल जैसी सुविधाएं। यहां आप शादी, पार्टी, रिसेप्शन या किसी भी प्रकार का फंक्शन कर सकते हैं। शहर में आने वालों के लिए 20 से भी ज्यादा लग्जरी रूम्स उपलब्ध। यहां आपको रूम सर्विस के साथ हाउसकीपिंग तथा लॉन्ड्री सर्विस भी दी जाती है। कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए 80 से 100 लोगों के बैठने की सुविधा वाला कॉन्फ्रेंस हॉल, साथ ही होटल में रहने वालों के लिए एक मिनी जिम भी उपलब्ध। होटल के बाहर गार्डन में बैठने तथा बच्चों के खेलने के लिए ट्रैम्पोलिन और मिकी माउस जैसी सुविधा। शादी समारोह में 80 से 100 गाड़ियों की पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध। होटल एक सुविधा अनेक। आज ही बुकिंग हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें। होटल श्रेष्ठ, नियर SSB गेट, टनकपुर रोड, पिथौरागढ़। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।